अरे तू 2.5 घंटे में कैसे फ्री हो गया? मन नहीं था यार पेपर देने का। एग्जाम कैसा था आज का? ओ सॉरी गलत पूछ लिया, पेपर बढ़िया था कि बहुत बढ़िया था? अच्छा था। मॉम हॉस्पिटलाइज है ना, मन भी नहीं कर रहा होगा पढ़ने का। लेकिन अब सब ठीक हो रहा है, अगर अब सुख रखा, सारी मेडिकल रिपोर्ट अच्छी आ गई तो मॉम आज ही डिस्चार्ज हो जाएंगे हॉस्पिटल से, फिर बाकी का ट्रीटमेंट घर पर ही होगा। वी ऑल विश हर अ स्पीडी रिकवरी। थैंक यू। अच्छा मुझे ये बता कि ये सेक्शन सी का क्वेश्चन बी का आंसर 69 था ना? -69 था। कैसे? -3 × 23 इक्वल 69 नहीं होता? लार्जर इंटीजर का साइन पॉजिटिव है। मल्टीप्लिकेशन की अलग थ्योरी होती है, इसमें लार्ज इंटीजर के साइन से फर्क नहीं पड़ता। देख मैं समझाता हूँ। पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव, और नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव। तो तेरा आंसर हुआ नेगेटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव, तो -69। मेरे कजन का कॉल है, 2 मिनट कुछ बोल रही थी। हेलो। हाँ जी राम भैया, क्या हाल है? बढ़िया। किधर है? यूनिवर्सिटी में हूँ, अभी एग्जामिनेशन हॉल से बाहर ही निकल रहा हूँ। घर आ जा जल्दी, तेरी वेट कर रहे हैं। कौन से घर? तेरे घर। और किधर, जल्दी आ। क्यों, क्या हुआ? क्यों भाई, अपनी मासी के घर आने के लिए भी रीजन चाहिए? जल्दी आ, नूर भी मेरे साथ है। सब ठीक तो? हेलो, क्या हुआ? मॉम को कॉल करता, एक मिनट रुक। पता नहीं क्या यार। कुछ प्रॉब्लम, मेरे को अर्जेंट करके जाना पड़ेगा। क्या हुआ? बाकी क्वेश्चन पेपर कल डिस्कस करते हैं, ठीक है? मैं कल आके करता हूँ बात तुझसे। दीदी कहाँ पर हो? ऑफिस में। अच्छा आपको कोई कॉल आया किसी का? नहीं, मम्मी और पापा दोनों फोन नहीं उठा रहे हैं। आज रिपोर्ट आनी थी ना, कुछ पता लगा? एक्चुअली रमन भैया नूर आए हुए हैं घर पे। सब ठीक तो है ना? आप टेंशन मत लो, मैं घर जाके देखता हूँ। आप फिक्र मत करो, करता हूँ आपको। और कैसे आना हुआ? सरप्राइज ऐसे? तुम बताओ कैसे चल रही है यूनिवर्सिटी? बड़ा टाइम लगा दिया आने में। एग्जामिनेशन चल रहा है ना, तो आने में लग जाता है टाइम, और दोपहर के टाइम थोड़ा ट्रैफिक भी होता है। और आपने पानी नहीं पिया? अरे बस बस, आधा भरा तो है। आधा खाली भी तो है। आप क्या लोगे? आप चाय या कॉफी? कॉफी। मैं सागर भैया को बताकर आता हूँ। बड़ी देर कर दी संदीप भैया ने आने में। वो सागर को कॉफी का बताने गए कि खुद कॉफी बनाने लग गए हैं। वो छोड़ो, इधर आओ, ये देखो। हेलो दीदी, मम्मी पापा दोनों घर पे नहीं है, और अमन भैया दो दिन कुछ नहीं बताया। कोई मम्मी को कुछ हो तो नहीं गया? संदीप। हाँ जी भैया। भैया
जल्दी हो गया है, आज हम ना दूसरे रूम में जाके टीवी देखते हैं। ठीक है मुझे कुछ पता लगा, मैं करता हूँ। देखो फोन नहीं उठा रहे आप बेटा, मैं और तेरे पापा गुरुद्वारे गए हुए थे, मेरी रिपोर्टें अच्छी आ गई हैं, अस्पताल से मुझे अब डिस्चार्ज कर दिया है और मुझे कहा है कि अब सिर्फ आप घर पे ना बेड रेस्ट करो। चलो शुक्र है रब्दा। फिर रमन भैया नूर क्या हुए घर पे? तेरे मासी मासड़ के साथ आए थे हॉस्पिटल में मेरी खबर लेने, तो इतने जने तो अलाउ नहीं होते, तो वो घर आ गए, तो इनको लंच करवा, हम आ रहे हैं। ठीक है, मैं दीदी को गुड न्यूज़ देता हूँ। मैंने बता दिया। अच्छा ये बता, तेरा एग्जाम कैसा गया? बढ़िया था। अब घर आ जाओ, फिर करते हैं बात। बाय। आधा खाली हो जाए।